राजस्थान में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में दो दिन पहले अच्छी बारिश हुई। सबसे पहले तो आपको बता दूं यह प्री मानसून होता क्या है। उत्तर भारत में मानसून के आने से पहले खासकर जून में होने वाली बारिश को प्री मानसून की बारिश कहा जाता है। दरअसल प्री मानसून बारिश की वजह तेज गर्मी और आर्द्रता होती है। तेज हवाओं के साथ आमतौर पर शाम के वक्त प्री मानसून की बारिश होती है। लेकिन आपको बता दूं यह जो प्री मानसून की बारिश होती है यह दो दिन से ज्यादा नहीं चलती है। वहीं मानसून के बादल घने और परतदार होते हैं। यह बादल एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तक जाते हैं। यह ज्यादा एरिया में लंबे समय तक और बार बार बारिश करते हैं। लेकिन प्री मानसून के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो गई, कुछ पर नहीं हुई। यह सब चलता रहता है, जब तक मानसून नहीं आ जाता तब तक। बड़ी खबर यह है, प्री मानसून की बारिश तो राजस्थान के कुछ जिलों में शुरू हो गई है, लेकिन लोगों को इंतजार है मानसून की एंट्री राजस्थान में कब होगी। इसको लेकर बड़ी अपडेट यह है, मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस बार दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ काफी अच्छी है। यह महाराष्ट्र से आगे गुजरात की सीमा में प्रवेश कर चुका है। अब देखिए मानसून इस तरह आगे बढ़ता है, लेकिन बड़ी बात आपको बता, मानसून की लाइन वाला एक सिरा तो तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मानसून की लाइन वाला एक सिरा तो मध्य प्रदेश और गुजरात तक आगे बढ़ गया है, लेकिन दूसरा सिरा नीचे है। इसी वजह से पूर्वोत्तर के कई राज्य अभी भी मानसून का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं 15 जून के बाद बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनने की संभावना है, जिससे मानसून की जो पूर्वोत्तर राज्यों में रुकावट आई है वह तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है, मानसून की लाइन वाली एक रेखा अब राजस्थान से दूर नहीं है। संभावना है कि राजस्थान में इस बार मानसून तय समय से दो तीन दिन पहले आ सकता है, यानी कि 22 से 25 जून के बीच मानसून के आने की संभावना है। ऐसे में संभावना है कि 22 से 25 जून के बीच में राजस्थान में मानसून प्रवेश कर जाएगा। लेकिन आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इस दिन पूरे राजस्थान में ही बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश होगी, उसके बाद एक दो दिन के बाद यह बारिश आगे बढ़ेगी। यानी कि जैसे मान लीजिए 25 जून को मानसून राजस्थान में प्रवेश कर जाता है, तो उसके बाद पूरे राजस्थान में मानसून को छाने में सप्ताह भर का समय लग सकता है। अब इस मैप के जरिए समझिए, पूरे देश में जब मानसून छा जाता है उसके बाद भी राजस्थान के कुछ जिले जो आपको सफेद कलर में दिखाई दे रहा है वह भाग, जैसे बीकानेर के पश्चिमी हिस्से, जैसलमेर के पश्चिमी हिस्से, यहाँ पर सबसे लास्ट में मानसून पहुँचता है। अच्छा, आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि यह जो आपके सामने मानचित्र लगा हुआ है यह मानसून के जाने का मानचित्र है। यानी कि यह जो सफेद वाला हिस्सा है यहाँ से मानसून की विदाई भी सबसे पहले शुरू होती है और सबसे अंत में मानसून यहां पहुंचता है। अब आपको मोटा मोटी बताऊं तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मानसून की एंट्री 22 से लेकर 25 जून के बीच हो सकती है, और उसके दो तीन दिन बाद यानी कि 28 जून के आसपास मध्य राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, और उसके फिर एक दो दिनों के बाद यानी कि 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, श्रीगंगानगर के कई हिस्से यहाँ पर भी मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है, अब की बार समय से पहले अगर मानसून की एंट्री हो जाती है तो 3 या 4 जुलाई को मानसून पूरे राजस्थान को कवर कर लेगा। बाकी मैं आपको समय समय पर अपडेट करता रहूंगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।